देना चाहता हूं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जो भी ब्रॉन्ज बना होगा उसके साथ तीन लोग तो आए होंगे, उसकी बात तीन लोगों ने तो मानी होगी तभी बना होगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा रैंक ब्रॉन्ज होता है तो हमारी सोच में आई मैं तो अभी ब्रॉन्ज ही हूं, मेरा तो चेकिंग सिर्फ 2500 का ही आया भाई, ऐसे रहता है जैसे मतलब मरा हुआ इंसान है। आज एक काम करना, जाकर शीशा देखना और शीशे के सामने खड़े होके अपनी कमियों को देखना जो संजीव सर आपको बता के भेज रहे हैं कि मुझे जो जो बताया गया उसमें क्या क्या कमी मेरे साथ है, और फिर शीशे के सामने देख के बात करना कि यार अगर मेरे कहने से 3 आदमी आ सकते हैं तो 30 भी आ सकते हैं, 300 भी आ सकते हैं, 3000 भी आ सकते हैं, 30,000 भी आ सकते हैं, 3,00,000 भी आ सकते हैं, 30,00,000 भी आ सकते हैं। ये बात आज अपने आप से करना, अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं होती ना सर तो 3 आदमी भी आपको पैसे नहीं देते। यस और नो? और जो ये चेक आता है ना ब्रॉन्ज लेवल का 2500 का या सिल्वर लेवल का 4500 का, इसे मत देखा करो, है ये बस 2500 रुपए, ये 4500 रुपए है। एक सोच अलग से बदल देना आज कि अगर मैं एसलीपीएस वेलनेस से 2500 कमा सकता हूं तो 25,000 भी कमा सकता हूं, 25,00,000 भी कमा सकता हूं और 25 करोड़ भी कमा सकता हूं। क्योंकि कमाया 2500 मैंने, मुझे किसी ने भीख में नहीं दिया, वो भी मेरी हिम्मत और मेरी मेहनत लेके आई है, तो ये हिम्मत और मेहनत बरकरार रह गई तो मैं भी 2100 करोड़ भी कमा सकता हूं। और तीसरा सवाल, शीशे में देखना और खुद से बात करना,